हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन जो इस वक्त बीमार वो मजबूर दुखियारों के दुख दर्द का मदावा बना हुआ है। कई तरह के ऑपरेशंस व इलाज में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने दामे दर में तावुन के जरिए बुझते दियों को जलाया है। यूँ तो इस फाउंडेशन के ताल्लुक से बहुत से कारनामे हैं जो कि काबिल फ़ख्र हैं। गुज़िश्ता एक साल से ये फाउंडेशन गरीबों के इलाज व मुआलजे में तावुन पैदा कर रहा है, जहाँ सिफर से 15 साल तक की उम्र के दिल के मर्ज, कॉग्निटल हार्ट डिसीज में मुबतला जैसे मरीजों को 50 ऐसे मरीजों को मुफ्त में हार्ट सर्जरी करवाई है एक प्राइवेट अस्पताल के साथ तालमेल करते हुए, और हासिल शुदा डोनेशन में 60% तक इस इदारे ने गरीब अफराद के अस्पतालों के बिल्स इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ फंड के जरिए तावुन करते हुए खर्च किए हैं। जहां खरीब इस CHD की सर्जरी में 1.5 करोड़ रुपये लगाकर मुफ्त सर्जरी करवाई। और यहां ये बात बता दें कि ये ऐसे बच्चे हैं जिनकी या तो कफालत का इन्हिसार रोज़मर्रा की कमाई पर होता है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी कफालत उनकी माएँ कर रही हैं, और ऐसी सूरत में इस तरह का इलाज करवाना उनके बस से दूर था। बस ऐसे लोगों की इस फाउंडेशन के ज़रिए सर्जरीज हुई हैं। और इसके अलावा 470 बच्चों जो कि कैंसर व डेंगू के इलाज और इसके अलावा जनरल सर्जरी वगैरह के लिए मुंतजर थे, ऐसे मरीजों पर भी करीब 80 लाख रुपये फाउंडेशन ने खर्च किए। और इस तमाम कारनामों की रिपोर्ट बनाई और इसको ऑनलाइन भी पोस्ट किया जाएगा। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने अपनी इस काविशों को अमली जामा पहनाने का सहरा इसमें तावुन करने वाले अहले खैर हजरात के सर बांधा है। मुजतबा हसन अस्करी ने इस फाउंडेशन में तावुन करने वालों का शुक्रिया अदा किया, जिनके सबब इस तरह बीमार मजबूरों के दुख दर्द का मदावा किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजतबा हसन अस्करी, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन। आज हम 31 मार्च 2022 हमारा एनुअल रिपोर्ट कार्ड हम आज रिलीज़ कर रहे हैं रमज़ान से चंद दिन पहले। उसमें से जो एक अहम प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में जो हम लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं, वो हमने गुज़िश्ता एक साल में तकरीबन 50 बच्चे 0 to 15 ईयर्स की एज, जिन जो बिल्कुल गरीब तबके के डेली वेजर्स के सिंगल मदर्स के बच्चे जिनको कंजाइनेंटल हार्ट डिज़ीज़ CHD जिसको बोलते हैं, इन बच्चों का हम मुकम्मल ट्रीटमेंट यानी कि सर्जरीज़ एक प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के टाइप के साथ कराए। और आज हम पूरे बच्चों को यहाँ जमा करें, एक छोटा सा सेलिब्रेशन यहाँ अरेंज करें हम लोग। 50 सर्जरीज़ तकरीबन हम बिटवीन 80,000 to 3.5 to 5 लाख रुपीज़ पर सर्जरी हम लोग दिए, और वी हैव स्पेंड टोटली अबाउट 1.5 करोड़। तो सबसे पहली चीज़ मैं हमारे जो डोनर्स हैं जो हमारे साथ आज काफ़ी अरसों से जो जुड़े हुए हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनके ताउन से उनके कंट्रीब्यूशन से आज ये पूरे बच्चों को आप जो देख रहे हैं एक नई ज़िंदगी मिली, उनके जाने बची, उनकी तालीम पूरी हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑल डूइंग वेल। अपार्ट फ्रॉम हार्ट सर्जरीज, ये रिपोर्ट कार्ड में हम और 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो रखना चाह रहे थे वो ये है कि एक तकरीबन 476 बच्चों को, अगेन पेडियाट्रिक बच्चों को, हमने मेडिकल इमरजेंसीज़ में, डेंगू के ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में, जनरल सर्जरीज में हेल्प किया, जिसमें तकरीबन हम 80 लाख से 1 करोड़ रुपये स्पेंड करें। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट बात हमारे रिपोर्ट में ये थी कि हम ये साल जो वैक्सीन्स का जो कोविड का प्रोग्राम चला उसमें खसूसन ओल्ड सिटी में हमने तकरीबन लास्ट 4 महीने में एक 60,000 वैक्सीनेशन डोजेस फैसिलिटेट किया, जिसमें हम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के कोलाब्रेशन के साथ। तो ये भी बहुत बड़ा काम हुआ हमारा। ये रिपोर्ट हम ऑनलाइन अपडेट करेंगे, और जो हमारे डोनर्स है और हमारे जो वेलविशर्स है वो हमारे वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम विद्या है, मेरा मेरे लड़के का नाम गौरव है। एक्चुअली मेरा बेटा पैदा हुआ सुबह भर्ती हार्ट में होल था, हम वहाँ से हल्लू हल्लू मालूम पड़ा कि 11 दिन में मेरे को होल है बोल के मालूम पड़ा, तो नई लोग फरमाले मेरे को एडवांस दिए कि उस्मानिया को जाओ। ऐसा ही करते करते उस्मानिया को गए, 6-6 महीने को स्कैनिंग होता था,
लास्ट में वो लोग 3 ईयर्स के बाद में बोल दिए कि हार्ट में होल है, ओपन हार्ट सर्जरी कराना पड़ता बोलकर। हमारे पास तो उतना स्पेंड करे सरकार था ही नहीं, तो 3-4 लाख बोले ये कराने के लिए। अब ऐसा वैसा बहुत जगह फिरे हम लोग, कहाँ हेल्प मिलता बोलकर। तो हमारे भाई को खोवा वाले बोले कि यहाँ पर हेल्पिंग एम फाउंडेशन है बोलकर यहाँ पर आए। मैं हमारे भाई ले लेके आए थे, उस दिन मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। तो आए बंद में ये लोग हमारे को एडवाइस दिए, कुछ भी नहीं होता बोलकर 2000 रुपये दिए और जाके स्टार में स्कैनिंग करा लो अम्मा क्या भी है हम लोग देख लेते बोलकर। वहाँ जाके आए हम लोग, वहाँ से मालूम पड़ा कि ओपन हार्ट सर्जरी करना उसका तो 3,50,000 बताए। तो फिर हम लोग यहाँ पर आए, ऐसा हमारे को इतना बोले, हमारे पास तो एक पैसा नहीं है, हमारे हस्बैंड तो डेली वेजेस है। तो सर से फिर मैं कांटेक्ट करी, नहीं होता सर हम लोगों से बोलकर। स्पेशली वो सर हमारे साथ में फिरे, स्टार हॉस्पिटल को आए थे, वहाँ पर भी बात करे और ये लोग का रिस्पांस भी बहुत अच्छा दिखा मेरे को। जो घर के लोग भी नहीं पकड़ा लेते, मगर ये लोग टाइम टू टाइम फ़ोन करते थे, गौरव का कैसा है मतबेद, पैसा मिला नहीं मिला। वो लोग की वजह से आज तो हमारा बच्चे का सर्जरी हो गया। बहुत रोती थी मैं, रात दिन रोना ही रहता था, लड़का अच्छा होता या नहीं होता भी नहीं मालूम था। एक्चुअली हम लोग कमा के करना बोलते अब तक भी सर्जरी नहीं होता था भाई, उनके बदौलत आज हमारा बच्चा तो अच्छा है। कास्ट कौन सा भी फीलिंग नहीं देखते, कोई भी आए सबको। तो मेरे सामने भी कितने के लोग को हेल्प करे सो देखी मैं। अभी तो ठीक है, अब नॉर्मल है, स्कूल को जा रहा लड़का। 3 ईयर्स तक तो बहुत सफ़र हुए, अब मेरे को 11th डे में मालूम पड़ा, मगर इन लोगों का रिस्पांस मेरे को बहुत अच्छा दिखा। अब आगे आगे भी ऐसा ही रहना बोल के हम लोग सोच रहे। सबको तो अच्छा रिस्पांस देते सर, और तो स्पेशली बड़े सर हम लोगों को बहुत मदद करे। अस्सलाम वालेकुम, हेल्पिंग हैंड वाले सबको भी इधर से मेरी तरफ से। ममनार दाखिल में बच्चे बता रहे थे, हमारा ममनार डिस्ट्रिक्ट जरचाला मंडल गोल्लापल्ली विलेज हमारा होता है। बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम है बोल के बोले ममनार में, वहाँ से वीर को गांधी के लिखे, गांधी गए तो वहाँ से नहीं देखे हमारे को, फिर को हमें नीलाफर को भेजे। नीलाफर में वहाँ जरा इको कराने के वास्ते निम्स गए थे, निम्स में इको करे वहाँ से। हम परेशानी में थे, फिर को इको करा के नीलाफर में रो लेते बैठे आगे हम पुराने दवाखाने में। हमारा इनसे फ़ोन आया हेल्पिंग हैंड से, नीलाफर उनको निम्स में दिए बोल नंबर दिए बोल के, तो हमारा एड्रेस बोला बोलता हम फलान जगह है बोलते नीलाफर हॉस्पिटल का हेल्पिंग हैंड से दोनों आए थे वहाँ को। आके हमारे से मिले, बात करे, हमारा एड्रेस लेके बच्चे की फ़ोटो हमारी फ़ोटो लेके हमारे एड्रेस पे भेजे, नाना नगर को भेजे हेड ऑफिस को। वहाँ जाके मिले हमें, वहाँ जाके मिले तो खर्चांग पैसे दिए, जाके मेरे को इको करा बोलते इको कराए, उनको सीधा रेमबो भेजे हमारे को बंजारा हिल्स पे। पूरा मदद करे हमारे बच्चे के इलाज के लिए, ऑपरेशन कराए हार्ट का, पूरा हेल्पिंग हैंड वाले खर्चा दिए हमारे को। बच्चे का तो ठीक है भैया, उन चल से करें नहीं बैठ से करें नहीं, वही प्रॉब्लम है उनका। हार्ट का तो पूरा ओके हो गया, ये भी इलाज करा रहे हैं भैया। उन्होंने एक सी बी स्टैंड भी दिलाया बच्ची को ठहरने के लिए, वो ठहरा कर रहे हैं उस पर घर पे। सबको मेरा शुक्रिया हेल्पिंग हैंड को, हमारे घर के तरफ से, हमारे फैमिली तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया है इनको। Hmm.